हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबको और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं घर से बाहर निकला हूँ, तो आज एक्चुअली मैं अच्छा पाली की तरफ जा रहा हूँ, जैन मोड़। तो कुछ काम से ही जा रहा हूँ आज भी, ऐसे तो नहीं। तो दोस्तों, घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, इसलिए आज इधर मैं आके ब्लॉग शूटिंग कर रहे हैं। टीनू डैम जगह पहुँच चुके हैं और आप लोग यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। देखिए, ये टीनू डैम पुल के ऊपर वाला रोड है जो मैं इसी में आया हूँ। देखो, इधर से आए थे। आप लोग थोड़ा झलक देख लीजिए टीनू डैम का। यहाँ से उतना कोई खास नहीं दिखेगा दोस्तों, दिखाएंगे आप लोगों को वहाँ मेन गेट जगह से। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, पहले अपना काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आते समय अगर टाइम मिलेगा तो अच्छा से दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए, अगर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फाइनली टीनू डैम पहुंच गए हैं। देखिए, यही है दास को गेट है। दोस्तों, पानी नहीं खुला है इसलिए उतना पानी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर इस तरह नज़ारा है। यहाँ भी पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत मस्त है दोस्तों, पिकनिक टाइम बहुत आते हैं लोग। तो दोस्तों, चलिए इधर का नज़ारा भी देख लीजिए। ये मैं पुल के ऊपर हूँ, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। दोस्तों, अभी लेट हो रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे दोस्तों, अभी हमको स्टील बोकारो भी जाना है। मस्त जगह है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं आए होंगे तो कभी पिकनिक मनाने आ जाइए यहाँ, कितना मस्त जगह है। उधर थर्मल बोकारो जाएगा दोस्तों, उधर। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा दिए, अभी निकलते हैं पटरवा, पटरवा से सीधे उधर चास वाला रोड में जाएंगे। चलिए मिलते हैं, जहाँ रुकेंगे वहीं शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों। One hour later. अभी हम लोग जैनामोड़ में हैं, किताब दुकान में हैं दोस्तों। किताब वगैरह तो नहीं, पेन वगैरह ले लिए और इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो अभी दुकानदार गए हुए हैं चेंज कराने, तो हम लोग तब तक बैठे हुए हैं। हम लोग रोड के किनारे हैं दोस्तों, देखिए इधर गाड़ी उड़ी पार हो रही है। और ऐसा टाइम में आए हैं हम लोग की किताब दुकान ही बंद है, तो ये छोटा सा बुक स्टोर है, यहीं हम लोग ले लिए सामान। सारा चीज़ है ऐसे तो। तो चलिए, अब दुकानदार का इंतज़ार में है, उसके बाद निकलते हैं हम लोग हॉस्टल की ओर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो हम लोग होटल आए हैं और यहाँ हम लोग थोड़ा अंडा उंडा पी लेते हैं और मीठा वगैरह भी खा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मीठा सब, तो भतीजा दोनों ये वाला खा रहा है, लड्डू, मोती चोर के लड्डू। तो हम अभी इधर मीठा सब खा लेते हैं। तो फाइनली हम लोग का मीठा वगैरह आ गया। देखिए, ये हम व्हाइट वाला लाए हैं, येलो, ये तो खत्म। Five minutes later. दोस्तों, ये सेंट लुइस का बॉयस हॉस्टल है ना, बॉयस हॉस्टल है, इधर बॉयस वाला हॉस्टल है। इधर बच्चा वगैरह सामान वगैरह रखते हैं, तो इधर पूरा बच्चा लोग का सामान सब है। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं हम लोग आए हैं, भतीजा दोनों को यहाँ सामान पहुँचाना है। तो इधर बच्चा लोग अभी बाहर निकले हुए हैं, एक्चुअली आज संडे है ना। तो चलो नीचे उतरते हैं। One hour later.
तो दोस्तों बालीडी तरफ से आके हम अभी फिर टेनू डैम जगह पहुंच गए। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों अभी मैं रोड के ऊपर एगो बाउंड्री है उसके ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। तो कितना मस्त नज़ारा है दोस्तों, देख आप लोग भी देख लीजिए। देख लिए होंगे आप लोग इधर, हम अभी यहाँ देखिए दोस्तों इधर एक्चुअली बहुत बड़ा डैम है, टेनू डैम कहा जाता है। इधर उधर पावर प्लांट दिख रहा होगा, पावर प्लांट है TVNL वाला। तो अभी यहाँ का नज़ारा बस इसी तरह है दोस्तों, हो सके तो नीचे तरफ का उधर नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, देखते हैं। और दोस्तों इधर तभी दिखाए थे नीचे साइड, देखिए उधर का नज़ारा इस तरह है। उधर जूम करने से फट जाता है मेरा, उतना हेवी क्वालिटी वाला मोबाइल नहीं है दोस्तों। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से भी ज़्यादा ना लेट करते हुए, शाम का टाइम हो रहा है 3:45 हो गया दोस्तों। तो निकलते हैं यहाँ से भी, पहले इधर से पार होने देता था दोस्तों, तो आजकल वहाँ गेट बना दिया तो नहीं पार होने देता है, इसलिए हमको फिर यही रूट में जाना होगा इधर से। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, फाइनली नीचे तरफ आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर का नज़ारा इस तरह है। आप लोग ये लोग गेट गिनिए दोस्तों, कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है दोस्तों। तो नीचे नहीं उतर रहे हैं दोस्तों, देखिए किस तरह पानी गिर रहा है, कितना मस्त, नहाने में मज़ा आएगा दोस्तों। यहाँ नीचे फोटोशूट वगैरह हो रहा है और बस इसी तरह यहाँ पर व्यू। चलिए चलते हैं दोस्तों, इतना ही दिखाएंगे।